नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ में अरसे से निगम मंडल और आयोगों में नियुक्तियों की बात जोह रहे कांग्रेसियों के चेहरे पर उस वक्त रौनक आ गई जब भूपेश सरकार ने 32 नेताओं की नियुक्ति का आदेश जारी किया। 15 साल तक सत्ता से दूर रहकर तत्कालीन द्रविड़ सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने वाले पार्टी के सक्रिय नेताओं और कार्यकर्ताओं को पहली सूची में शामिल किया गया। हालांकि सरकार की इन नियुक्तियों पर सवाल भी उठ रहे हैं। विपक्ष में बैठी बीजेपी का कहना है कि कोरोना संकट की वजह से आर्थिक चुनौतियों से जूझ रही सरकार का खजाना खाली है। ऐसे में ये नियुक्तियां क्या सरकार पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को और नहीं बढ़ाएंगे? बीजेपी ने यह भी कहा कि राजस्थान में सियासी घमासान मचने का असर छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। यही वजह है कि सत्ता और संगठन को साधने के लिहाज से यह नियुक्तियां की गई है। मुद्दा बड़ा है। ऐसे में आज हम इस पर चर्चा करेंगे, साथ ही आपको लेकर चलेंगे मध्य प्रदेश, जहां दलित किसान दंपति के साथ पुलिस की बर्बरता पर सियासत शुरू हो चुकी है। दलित दंपति की पुलिस ने पिटाई गुना में की है। ये वही गुना है जिसे ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ कहा जाता है, जहां से सिंधिया कांग्रेस के टिकट पर कई बार चुनाव लड़कर सांसद भी चुने गए। लेकिन अब सिंधिया बीजेपी में है और प्रदेश में शिवराज सरकार है। ऐसे में कांग्रेस गुना में घटी घटना को लेकर कुछ ज्यादा ही आक्रामक है। मामले में कांग्रेस ने 7 सदस्यीय जांच समिति बनाई है, जो शुक्रवार को प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। वैसे गुना में दंपति के साथ पुलिस की क्रूरता पर शिवराज सरकार ने एक्शन लेते हुए ग्वालियर रेंज आईजी और गुना डीएम और एसपी को हटा दिया है, साथ ही उच्च स्तरीय जांच के भी आदेश दे दिए हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेस मामले को लेकर हंगामा कर रही है। देखा जाए तो गुना पर गदर है। ऐसे में आज हम इस पर भी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन शुरुआत छत्तीसगढ़ से करते हैं, जहां भूपेश सरकार सियासी संतुलन बनाने में जुटी हुई है। तो भूपेश सरकार ने निगम मंडल और आयोगों में जिन राजनीतिक चेहरों को नियुक्त किया है, उनमें क्षेत्रीय संतुलन पर भी खासा जोर दिया गया है। वरिष्ठ नेताओं के करीबियों को साथ कर नाराजगी दूर करने की कोशिश की गई है। राजनीतिक प्रेक्षक कहते हैं कि सरकार की यह कवायद आंतरिक गुटबाजी को दूर करने जैसे नजर आती है। खैर, इस बात में कितना दम है और इस बीच जो सवाल उठ रहे हैं कि राजनीतिक संतुलन बनाने की कवायद से छत्तीसगढ़ सरकार पर क्या आर्थिक बोझ नहीं बढ़ेगा, और क्या इन राजनीतिक नियुक्तियों के बाद प्रदेश के विकास की रफ्तार जोर पकड़ेगी, इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। आइए उसके पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में निगम मंडल और आयोगों में की गई राजनीतिक नियुक्तियों की वजह से भूपेश सरकार अब विपक्ष के निशाने पर आ गई। दरअसल ये नियुक्तियाँ तब की गई हैं जब कोरोना काल में प्रदेश आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। सरकार ने 32 नेताओं को निगम मंडल और आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। विपक्ष ने सवाल उठाते हुए कहा है कि मौजूदा हालात इस बात की इजाजत नहीं देते कि संसदीय सचिवों की नियुक्तियों के बाद निगम मंडल और आयोगों में राजनीतिक नियुक्ति की जाए। बीजेपी ने कहा है कि आंतरिक कलह से जूझती सरकार और संगठन में ये नियुक्तियाँ महज संतुष्टिकरण की राजनीति का हिस्सा है। विपक्ष ने ये सवाल भी दागा है कि क्या ये नियुक्तियाँ सरकार पर आर्थिक बोझ नहीं डालेंगी। कहीं न कहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान के घटनाक्रम का असर इन नियुक्तियों में दिखता है। प्रदेश की हालत बहुत खस्ता है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। कितना बड़ा बोझ डाल दिया है आज जब कर्ज पर यह सरकार चल रही है। बीजेपी के तमाम सवालों के बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि पार्टी के सक्रिय और निष्ठावान ऐसे नेताओं और कार्यकर्ताओं को पहली सूची में मौका दिया गया है, जिन्होंने विपक्ष में रहते हुए 15 साल तक पार्टी के लिए संघर्ष किया। मरकाम के मुताबिक दूसरी सूची में क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन बनाने का प्रयास होगा और पार्टी की पूरी कोशिश रहेगी कि कार्यकर्ताओं को सम्मान मिले। अगर जो असंतुष्ट होते हैं फिर जिनको जगह नहीं मिल पाई है, हम वैसे चेहरों को भी हम कोशिश करेंगे, शायद सत्ता में हो या संगठन में हो। आने वाले दिनों में संगठन में भी विस्तार होना है, तो हम कोशिश करेंगे हमारे कार्यकर्ताओं को सम्मान मिले। निगम मंडल और आयोगों में राजनीतिक नियुक्तियां उस वक्त हुई हैं जब कोरोना काल है और प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। ऐसे में विपक्ष भी नियुक्तियों को लेकर सवाल उठा रहा है। खैर, अब जब नियुक्तियां हो गई हैं तो देखना ही है कि इससे बढ़ने वाले आर्थिक कोष को सरकार कैसे मैनेज करेगी।
और सबसे अहम सवाल ये है कि राजनीतिक नियुक्तियों के बाद क्या छत्तीसगढ़ की विकास की रफ्तार भी जोर पकड़ेगी। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। तो सियासी संतुलन छत्तीसगढ़ के आज के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए रायपुर से जुड़ गए हैं कांग्रेस नेता रमेश कल्याणी जी हैं, बीजेपी से पूर्व विधायक शीतल सुंदरानी जी। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ मनोज बघेल भी हैं, हमारे संपादक हैं, और भोपाल त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार के नोटिस जी, आपका भी स्वागत है। बघेलानी जी, आज थोड़ा सा खुशी है तो गम भी है साथ में। खुशी इस बात की कि चलिए कई लोगों को पद मिला है, गम इस बात का है कि अगर आप उस पद के साथ हमारे साथ बैठे होते तो मुझे ज्यादा दुगनी खुशी होती। लेकिन खैर, इंतजार है हमें उस दिन का कि जिस दिन आपका भी नाम मैं ऐसी सूची में पढ़ूं, और उस इंतजार के दिन फिर जरूर आपसे मिलेंगे। आप वादा करें कि उस दिन जरूर हमारे साथ बैठेंगे। जरूर जरूर जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। आपकी शुभकामनाएं असर करेंगी, करनी ही पड़ेगी, नहीं तो यहाँ मोर्चा कौन संभालेगा सुंदरानी जी के आगे? करनी ही पड़ेगी, सुंदरानी जी के आगे फिर आप ही बैठते हैं ना। खैर, आरोप इस बात जी जी, मेरे तो बड़े भाई हैं त्रिपाठी जी, आपकी भी शुभकामनाएं हैं। मेरे बड़े भाई हैं, आपकी भी शुभकामनाएं हैं हर मामले में। अब आप औरंगाबाद, इनको निगर जी 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 100% है, 100% शुभकामनाएं हैं जी जी। तो फिर अड़ंगा मत डालिए ना, और दिल से है। अरे तो फिर अब 32 हो गए, अब इसमें अड़ंगा क्यों डाल रहे हैं? ये कह के कि माली हालत खराब है, माली हालत अच्छी होनी चाहिए, कोरोना काल, ये सब आप अपने बड़े भाई के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, तो फिर शुभकामनाएं किस बात की? हम बल्याणी जी के मामले में नहीं बोलेंगे। अच्छा, बाकी 32 के मामले में बोलेंगे। अब जहाँ 32 बना है, 33वां बना देते तो क्या फर्क पड़ जाता। चलिए, आपने आरोप लगाया है कि इस समय जो माली हालत है, कर्ज लेके सरकार चल रही है, ऐसी स्थिति में संसदीय सचिव भी बनाना, अध्यक्ष उपाध्यक्ष आयोगों में इस तरह से जो जंबो सूची में पढ़ रहा हूँ बनाना, निश्चित हमको भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि खर्चा तो बढ़ेगा ही। लेकिन अब सरकार को जनता ने चुना है, सरकार अपने इच्छा से जिस तरह कर रही, इन सब लोगों का संघर्ष है। इसमें बीजेपी को क्यों परेशानी हो रही? बीजेपी ने नहीं किया था क्या? बीजेपी ने भी तो इसी तरह किया था। सुंदरानी जी, देखिए आदरणीय त्रिपाठी जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, और मैं इसलिए प्रत्यक्ष रूप से आज आपके सामने बैठा हूँ, नहीं तो हम स्टूडियो नहीं आते थे। इस मुद्दे पे मैं निश्चित रूप से आपके साथ बात करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं कर्मठ जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 15 साल की सरकार थी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ महाराज, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। जी 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 सर, जी जी सर। देखिये, 15 साल डॉक्टर अमन सिंह जी की सरकार थी जी। संसदीय सचिव का मामला हो या निगम मंडल का मामला हो, आयोग का मामला हो, कांग्रेस पार्टी लगातार हमला करती थी और ये कहती थी कि छोटे से प्रदेश में का आर्थिक बोझ डॉक्टर रमन सिंह जी डाल रहे जी। संसदीय सचिव के मामले में तो ये अदालत का दरवाजा खटखटा इनके वरिष्ठ मंत्री मोहम्मद अकबर जी। बाद में सुप्रीम कोर्ट में अभी भी वो पिटीशन विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट में जी। और तब ये आर्थिक संकट की बात करते थे, आर्थिक बोझ की बात करते थे, जबकि उस वक्त वित्तीय व्यवस्थाएं बहुत सुदृढ़ थी। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार के समय में आर्थिक संकट हमारे सामने नहीं था, तो भी ये आरोप लगाते थे जी। आज तो वाकई आर्थिक संकट है, कुछ हमारे ऊपर कुदरत की मार पूरे विश्व में पड़ी है, कोरोना महामारी जो पूरे विश्व में आई है उसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला। छत्तीसगढ़ के व्यापार उद्योग से जहाँ से राजस्व आते थे, चाहे वो खनिज से आते हो, चाहे कोयले से आते हो, या अन्य व्यापारिक संस्थानों से जीएसटी के रूप में आता हो, वेट में आता हो, भारी क्षति हुई है।
और ऐसे समय में जब इनके ऊपर ऑलरेडी 13,000 करोड़ इन्होंने 1.5 साल में कर्ज लिया है और 10,000 करोड़ रुपए त्रिपाठी जी अभी इनको हाल में लेना पड़ेगा, मतलब आप सोचिए इतने से छोटे कार्यकाल में, 2 साल के कार्यकाल में जिस सरकार को 23,000 करोड़ रुपए कर्ज लेना पड़ा हो वो इतना बड़ा बोझ, 15 संसदीय सचिव, मंत्री 13 है, संसदीय सचिव 15 है, हर एक के लिए गाड़ी घोड़ा सारी सुविधाएं व्यवस्था करनी पड़ती है और निगम मंडल में पहली सूची 32-33-32 नेताओं की है, पता नहीं अभी कितनी सूची जारी होगी, क्योंकि मैं इसको निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह जी की जिस प्रकार अचानक यात्रा हुई छत्तीसगढ़ में, जो राजस्थान का माहौल चल रहा है सचिन पायलट और जो वहां पे विवाद चल रहा है, मध्य प्रदेश में सरकार इनकी चली गई, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भी असंतोष की ज्वाला भड़क रही है। कब यह दबाव, आंतरिक दबाव में इस सरकार के पहिए घसक जाए कोई बड़ी बात नहीं है। इस बात से भयभीत होकर केंद्र ने दिग्विजय सिंह जी को यहाँ भेजा और कुछ नाम जोड़ दिए, कल तक नाम नहीं थे आज जोड़ दिए, ये किसी भी कोने से असंतोष न हो ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कितने भी प्रयास कर लें 2.5 साल पूरे हो जाने दीजिए, वेट करना पड़ेगा हमको थोड़े दिन। मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसी स्थिति आज यहाँ निर्मित नहीं होगी, लेकिन आने वाले 6 महीने में हम उस दिशा की ओर जाएंगे। लेकिन जिन पे आपकी नजरें थी, जिन पे आपकी नजरें थी, समझ चुके हैं, जिन पे आपकी नजरें थी उन्होंने कह दिया है कि 100 साल तक, 100 जन्मों तक वो कांग्रेस में ही रहेंगे जिन पे आप नजर टिकाए हुए थे। देखिए ये बात सचिन पायलट भी कह रहे थे, मैं चैनलों में देख रहा हूँ, ये बात कहीं से नहीं लगता था कि सिंधिया जी भाजपा में आ जाएंगे। परिस्थितियां राजनीति में बयान बदलने में देर नहीं लगती, राजनीति एक ऐसा मंच है जहाँ हर नेता अपनी सुविधा से बयान देता है। अरे भैया अब तो मैसेज राजनीतिक हलकों में ये हो रहा है, जिस तरह पायलट जी को आपने छोड़ दिया बीच मैदान में, 30 देखा आपने कि पूरे नहीं हो रहे हैं, 19-18 में काम नहीं बन रहा तो आपने उनको जिस तरह छोड़ दिया, तो लोग आप पे भरोसा भी छोड़ रहे हैं दूसरे जो आने वाले थे। खैर सुंदरानी हम आपके पास आएंगे, बल्यानी जी निश्चित तौर पे दुख भी है। पार्टी जी जी जी, जी। बल्यानी जी से सवाल ले लें, सुंदरानी जी आप चलिए, बल्यानी जी से जी जी आपके बड़े भाई हैं भाई साहब, निश्चित तौर पर जो सूची दिख रही है ये ऐसी सूची दिख रही है, संतुलन कहीं न कहीं छाप मध्य प्रदेश और राजस्थान की दिख रही है, बस्तर संभाग से इतने, ये आपने ये उम्मीदवारों की, कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची जारी की है या आयोगों के, निगम मंडलों के अध्यक्षों की, जो हमने पढ़ा पहली बार मैंने देखी इस तरह सूची देखी है अपने 32-35 साल के पत्रकारिता में निगम मंडल की, रायपुर से इतने, बस्तर से इतने, सरगुजा से इतने, बिलासपुर से इतने, उन्हें ऐसा लग रहा है कि दुर्ग संभाग, दुर्ग जिले की जितनी विधानसभा सीट है उनमें इनको टिकट दे दिया है, इनको टिकट दे दिया है, ये हो गया है। अब बात भी सही है कि 13,000 करोड़ के उसमें आप कर्ज भी चल रहे, कल ही आपने संसदीय सचिवों को गाड़ी तो देंगे, संसदीय सचिवों को इनको भी गाड़ी तो देंगे ही, ये देखिए जनता के बोझ, जनता के ऊपर ही बोझ पड़ेगा इनका जो भी खर्चा आएगा। बल्यानी जी त्रिपाठी जी, एक बात मैं बता दूं कि निगम मंडलों में कार्यकर्ताओं और नेताओं को एडजस्टमेंट करने की बात लोकसभा चुनाव के बाद से चल रही थी जी, और यदि विधानसभा सत्र के बाद यदि कोरोना का संकट नहीं आता तो ये नियुक्तियां हो जाती जी। ये नियुक्तियां उनके लिए की गई हैं जिन लोगों ने 15 साल संघर्ष किया है सड़क पर जी, और कांग्रेस पार्टी को सत्ता में पहुंचाने का काम किया है जी। तो पहले हम लोगों ने कहा नगर निगम के चुनाव निपट जाए, उसके बाद देखेंगे, कुछ लोग नगर निगम में एडजस्ट हो गए, नगर पालिका, नगर पंचायत में, फिर ये पंचायतों के चुनाव हो गए उसमें हमने एडजस्ट किया, फिर मंडलों का और उनका नंबर आया। संसदीय सचिव रमन सिंह जी के संसदीय सचिव में और हमारे सचिव, अंतर ये है कि रमन सरकार ने उनको मंत्री वाला अधिकार दे दिया था, वो शिक्षा अनुदान दे बांट रहे थे, वो विधानसभा के अंदर जवाब दे रहे थे। संसदीय सचिव को इसलिए बनाया जाता है कि वो ट्रेनिंग ले लें जो नए विधायक आते हैं, ताकि भविष्य में वो मंत्री पद में अच्छा परफॉर्म कर सके।
तो हमने जो बनाया उस हिसाब से संसदीय सचिव बनाया है। बलानी जी निगम मंडल में है, इसका आर्थिक भार ज्यादा नहीं आएगा। बलानी साहब, कोई नई कार्य नई गाड़ियां खरीदी नहीं जा रही है जी। जो गाड़ियां ऑलरेडी अधिकारियों के पास है वही उनको दी जाएगी जी। कोई बहुत ज्यादा बोझ नहीं आएगा। और जो आर्थिक संकट की बात कर रहे हैं, वो जो लोन हमको लेना पड़ा था वो इसलिए लेना पड़ा था कि हमारी रॉयल्टी का पैसा, हमारा जीएसटी का पैसा दिल्ली सरकार दे नहीं रही थी। वो पैसा दे दी है, देगी तो हम उसको कर्जे को खत्म कर लेंगे। 50,000 करोड़ रुपए कर्जा छोड़ गए थे डॉक्टर रमन सिंह। बलियानी साहब आपने एक बात कही, बलियानी साहब एक मेरा सवाल, बलियानी साहब मेरा सवाल आर्थिक मेरा सवाल है, आपने एक बात कही कि इतने लोगों को जिला पंचायत में एडजस्ट कर दिया, इनको यहाँ एडजस्ट कर दिया, यहाँ ये एडजस्ट करने की एक तो जरूरत क्यों पड़ रही है। दूसरा आपने कहा मंत्रियों वाला अधिकार, देखिए मंत्रियों को राज्यपाल शपथ दिलवाता है, संवैधानिक अधिकार होता है, और उनको मुख्यमंत्री शपथ दिलवाते हैं संसदीय सचिवों को, वो अलग बात है। अगर कैबिनेट मिनिस्टर, फिर स्टेट मिनिस्टर, उसके डिप्टी मिनिस्टर, उसके बाद अगर ये तीनों उपस्थित नहीं है और वो विधायक है तो उत्तर दे सकता है विधानसभा में संसदीय सचिव। अगर उपमंत्री है नहीं, राज्य मंत्री भी नहीं है, कैबिनेट भी नहीं है, तो संसदीय सचिव, आपको भी मैं याद दिला दूं, 80 से 85 के बीच में अर्जुन सिंह के शासनकाल में संसदीय सचिवों ने उत्तर दिया है। उनके आगे नाम में कौन से विभाग दिए गए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर के जो विभाग होते हैं उसके आगे वो नाम भी जुड़ता है। त्रिपाठी जी, संसदीय जो मैंने एडजस्टमेंट करने की बात करी है जी, वो मेरा कहना है कि जो नेता मेयर बन गए जी, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत काम हुआ ना, नगर निगम में लोग गए, नगर पालिकाओं में गए, पंचायतों में गए जी, मतलब वहाँ उन नेताओं को स्थापना मिली एक लोकतांत्रिक अधिकारों से जी। और जो नेता बच गए संघर्ष के लोगों को, जो निगम मंडल में जिनको स्थापित करना था जी, उन संघर्ष के साथियों को सम्मान करना था, उनको हमने करने का काम किया है। संसदीय सचिव को संविधान में अधिकार नहीं है, वो परंपरा अर्जुन सिंह के टाइम हुई होगी, लेकिन हमारा यह मानना है कि संसदीय सचिव बनाने का एक ही लाभ है कि उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिल जाती है भविष्य के लिए जी। और जहां तक ये कहते हैं कि राजस्थान और एमपी के कारण डर के मारे किया है जी, तो भारतीय जनता मुगालते में न रहे। आप अरबों रुपए खर्च करके एमपी सरकार को तोड़ लिया आपने जी, 20 करोड़ रुपया से 25 करोड़ रुपया पर कैंडिडेट आपने वहां बोली लगा दी राजस्थान में, इसीलिए आप आपकी सरकार नहीं बन पा रही तो हाथ खींच लिए। लोकशाही में नरेंद्र मोदी जी को इसलिए प्रधानमंत्री बनाया था कि देश के लोकतंत्र को खत्म कर दिया जाए पैसे के बल पर, इसलिए बनाया था। और छत्तीसगढ़ में वो स्थिति नहीं है, ये 14 है मात्र जी, हम है 69, एक मरवाही आ जाएगा हो जाएंगे 70 जी। तो ये कहां के मुकाबले में है कि यहाँ विस्फोट होने वाला है, यहाँ पैसा चलता है तो ताकत चलनी है। परेशानी त्रिपाठी जी ये है, इनकी परेशानी भारतीय जनता पार्टी त्रिपाठी जी ये है कि भूपेश बघेल जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेता के रूप में सिद्ध हुए हैं, नंबर एक। और नंबर दो, उन्होंने संसदीय सचिव में या मंडलों में जिनको नियुक्त किया है जिले के स्तर पर, जाति के स्तर पर, हर समाज के हर वर्ग के व्यक्ति को दिया है, यादव को भी दिया है, मछुआरे को भी दिया है, सभी समाज के लोगों को लेने का काम किया, जैन समाज को भी लिया है, साहू भी हैं, कुर्मी भी हैं। तो इनकी तकलीफ ये है कि जब समाज के सभी वर्ग के ऊपर ये भूपेश बघेल इतने ज्यादा उत्साहित होकर उनको स्थान दे रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अगले चुनाव में बचेगा क्या, असली चिंता ये है इनकी। चलिए संसदीय सचिव आर्थिक सवाल है तो हमारा आर्थिक सवाल, प्रदेश आर्थिक प्रगति कर रहा है, 22% ग्रोथ हुई है। छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान में अकेला राज्य है जहां लॉकडाउन खुलने के बाद सारी आर्थिक गतिविधियां बनी है। हम राजीव न्याय योजना के माध्यम से किसानों को पहली किस्त 1500 करोड़ रुपए दिए हैं, फिर 1500 करोड़ रुपए देने वाले हैं और उधार भी ले रहे हैं। सवाल ये केंद्र से भेदभाव न करे, उधार भी ले रहे हैं, वो दे दे, कोई संकट नहीं है, उधार भी ले रहे हैं। तो ये सम्मान है, हमारे काम अच्छे ढंग से निपट पाए लोगों के, इसलिए हम आगे बढ़े। फिर संसदीय सचिवों की जहां तक बात की, अर्जुन सिंह नहीं, आपके बोरा जी वहीं के हैं, आपके दुर्ग के हैं, उन्होंने भी दो संसदीय सचिव की प्रथा डाली हुई थी। यहां दो मिनिस्टर हैं, तुलसी सिलावट और प्रभुराम चौधरी संसदीय सचिव थे बोरा जी के मुख्यमंत्री काल में, अब मिनिस्टर हो गए हैं। त्रिपाठी जी, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इसी पर आपत्ति की थी कि संसदीय सचिव को स्वेच्छानुदान देने का अधिकार नहीं है,
और वो विधानसभा के अंदर प्रश्नों का जवाब दे नहीं सकते हैं, तो हमने माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करने का काम किया है। इस संदर्भ में मैं ये बात कह रहा हूँ, हमको उच्च न्यायालय का सम्मान करना है। सुंदरानी जी, दृष्टांत आ गया तो उसको हमको लागू करना है। सुंदरानी जी, आप काफी देर से कुछ कह रहे थे, एक टिप्पणी ले लेते हैं मनोज जी की, फिर हम आप ही के पास आ रहे हैं। मनोज जी, इतनी जंबो मैंने इसके पहले एक साथ दो चार छह दस इस तरह नियुक्तियां देखी, बकायदे सूची लगा के 32 और ये कह के कि अगली सूची होनी है, कल ही संसदीय सचिव भी बना दिए लंबे चौड़े, रमन सिंह जी के समय भी ये संसदीय सचिव बने थे, उसकी भयानक आपत्ति ली थी, लेकिन बल्लानी जी का कुछ दूसरी तरह तकनीकी कारण उन्होंने जोड़ दिया, स्वेच्छा निदान का, मंत्रियों का स्वेच्छा निदान होता है, हालांकि विधायक निधि भी अपनी होती है, लेकिन ये जो सूची जारी की गई है, आखिर कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि सबको एडजस्टमेंट करने की जरूरत क्या है? 3/4 बहुमत है। बिल्कुल, ये 15-20 दिन पहले इस तरह का वातावरण नहीं था, और उस समय जो है ये सवाल भी किया गया था कि निगम मंडलों में नियुक्तियां आखिर कब होंगी। उस समय इस सवाल का जवाब जो है सही तरीके से नहीं मिला था, ना ही कोई इस तरह की हलचल थी। लेकिन अभी पिछले 15 दिन से करीब लगातार इस संबंध में चर्चा हुई, और उसके बाद जाकर जो है पीएल पूनिया है जो प्रभारी हैं, और उनके साथ विचार मंथन के बाद पिछले 3 दिन से लगातार सूची जारी हो रही। पहले 15 संसदीय सचिवों की नियुक्ति हुई, कल से 2 विकास प्राधिकरण बचे हुए थे, एक अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण और एक पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण, इन दोनों में 3-3 विधायकों को एडजस्ट किया गया है, तो 6 विधायक कल जो है उनकी सूची जारी हुई थी, और आज निगम मंडलों के 32 जो लोग हैं उनकी सूची जो है आज निकाली गई है, जिसमें 4 विधायक हैं और बाकी दूसरे नेता हैं। और ये कहा गया है, जो पीसीसी अध्यक्ष है उनसे हमारी बात हुई, ये कहा गया है कि जो पुराने संघर्ष के साथी रहे हैं उनको अभी पहली सूची में स्थान दिया गया है, और बाकी जो संतुलन बनाने का काम है वो दूसरी सूची में करेंगे, जाति और दूसरे तरह के संतुलन। बल्लानी जी तो बोल रहे हैं कि अभी संतुलन बना दिया। आश्चर्यजनक बात, बल्लानी जी बोल रहे हैं कि संतुलन बना दिया, अभी जाति क्षेत्रीय दोनों संतुलन बना दिया है, बल्लानी जी कह रहे हैं। संतुलन कहीं ना कहीं संतुलन में कमी दिख रही, क्योंकि ये आदिवासी बहुल राज्य है, और कुल 32 नाम देखेंगे, 32 में 1/4 नाम जो है वो ब्राह्मणों के नाम है। इस बात को लेकर काफी आज दिन भर चर्चा हो रही है कि 32 में 8 ब्राह्मण है, और कुल यदि सामान्य वर्ग को देखें तो 32 में 18 जो है वो सामान्य वर्ग से है, और 14 ही जो है उसमें ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और माइनॉरिटी, ये मिला के 14 है, और सामान्य वर्ग के 18 लोग हैं। इसलिए ये कहा गया कि अभी जो है केवल पुराने समय के जो संघर्ष के साथी रहे हैं उनको दिया गया है, और संतुलन बनाने की बात दूसरी सूची में आएगी। ये तो बहुत ही गलत है। संघर्ष के साथी तो हमारे बल्लानी जी रहे हैं, हमारे आरपी सिंह जी रहे हैं, इन लोगों को मैं तो उन लोगों को देख रहा हूँ जो हमारे साथ रहते हैं। मैंने सूची पढ़ी, कुछ लोग तो आ गए, कुछ लोग नहीं हुए, मुझे बड़ा दुख हुआ। सुंदरानी जी, आप कुछ कह रहे थे, जब बल्लानी जी कह रहे थे, उत्तर दे रहे थे, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन अनुरोध है, मैं थोड़ा सा ये जो मोबाइल की टोन है थोड़ा अच्छी लगा लीजिए, बहुत अच्छी बात नहीं बजी है, हमें 2 बार सुनाई पड़ी है, बहुत अच्छी नहीं बजी, थोड़ी अच्छी वाली लगा लीजिए, जिस तरह आप कपड़े पहन रहे हैं आजकल उसी तरह मोबाइल टोन भी लगा लीजिए ना, ज्यादा बेहतर रहेगा। बंद कर लो मोबाइल, माफ करिएगा, बीच में बज गया था। जी, जी, जी। मैं यही बात कह रहा था त्रिपाठी जी, जो आपने कही, क्या संघर्ष के साथी कांग्रेस की नजर में आदरणीय बल्लानी जी नहीं थे? हमारे साथी आदरणीय आरपी सिंह साहब जो हमारे साथ रोज बैठ के बेचारे कांग्रेस की तरफ से लड़ते हैं, ये हमारी दो नाम नहीं आना, क्या संघर्ष के साथी? बातें आप क्यों बोलने लगे, आप तो अपनी बात करिए। मैं ये बात कहना चाहता था। दूसरी एक बात और मैं कहना चाहता हूँ त्रिपाठी जी, आदरणीय बल्लानी जी अभी कह रहे थे जाति का संतुलन कायम किया है, पूरा संतुलन कायम किया, ये तो अंदर की पीड़ा क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात मैं बल्लानी जी से ही पूछना चाहूंगा, सिंधी समाज को पूरी तरह से इसमें जीरो कर दिया गया, न विधानसभा का टिकट दिया, न निगम मंडल में कोई स्थान दिया, एक बात। दूसरी बात, सिंधी साहित्य अकादमी छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश, राजस्थान,
ये गुजरात महाराष्ट्र सब जगह और दिल्ली में केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री जी ने सिंधी अकादमी का गठन किया, डॉक्टर रमन सिंह जी ने तीनों बार 15 साल की सरकार में बनाया, भूपेश बघेल जी की सरकार ने विलोपित कर दिया, सिंधी अकादमी खत्म कर दिया, विलोपित नहीं किया है, खत्म किया है साहब, उसमें विलय कर दिया किसी में, अब उसका चेयरमैन सिंधी समाज का व्यक्ति नहीं बनेगा जी, सिंधी समाज आप बोले बनेगा, मैं कह रहा हूँ नहीं बनेगा, इसलिए सिंधी समाज में भाजपा का ठप्पा लगा है इसलिए। तो फिर इतने भारी भरक आदरणीय त्रिपाठी जी, मैं छत्तीसगढ़ में अगर सूची देखूं ना तो जो कार्यकर्ताओं की सूची और नेताओं की सूची में सबसे अधिक नेता हमारे कांग्रेस दल में है भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले जी जी। अगर ये दल अगर समाज की उपेक्षा करता है तो क्यों बैठे हैं ये वहाँ पे जी जी, इनको दृढ़ता से बात रखनी चाहिए वहाँ पे, और हम इसमें रखेंगे, हम रखेंगे, मैं हम समाज का भी अध्यक्ष हूँ प्रदेश का जी, मैं जी। रखूंगा इस बात को जी, आप रखिए और बल्यानी जी के साथ हो लीजिए कि बोले इन सबको लो हम भी तुम्हारे साथ आ जाते हैं, मैं साथ हूँ सर, मैं साथ हूँ जी, साथ मिलना चाहिए समाज के लोगों को, मुख्यमंत्री किसी भी समाज की उपेक्षा नहीं करेंगे, सुंदरानी जी इंतजार करिए, और सिंधी अकादमी के बारे में आप जो कह रहे हैं उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा कि जो व्यवस्था है वो व्यवस्था चलती रहे, अब आप कह रहे हैं मुझे ऐसी जानकारी नहीं है कि सिंधी अकादमी आज चैनल में ये तो बोल जाइए कि मैं इसको बहाल कराऊंगा अगर ऐसा हुआ है तो, सिंधी अकादमी विलोपित हुई नहीं है, अगर बहाल कराने सवाल ही कहाँ है, नहीं तो क्या सिंधी अकादमी का अध्यक्ष समाज से बनेगा जैसा पहले बनते आया है भाई, आप यहाँ पे आश्वासन देंगे हाँ, पुरानी स्थिति में रहेगा सिंधी अकादमी, सुंदरानी जी आप ये कहेंगे क्या, आप सिंधी अकादमी सिंधियों के लिए है तो उसका अध्यक्ष स्वाभाविक रूप सिंधी से बनेगा, आप ये बागी थोड़ी बनेगा, आप ये बागी थोड़ी बनेगा, आप कमिटमेंट कर रहे हैं क्या, चाहे जो बने सिंधी समाज का व्यक्ति सिंधी अकादमी का अध्यक्ष होगा, क्योंकि बनेगा तो कांग्रेस के अंदर का, हमें भी पता है सिंधी बनेगा, वो निश्चित रूप सिंधी बनेगा, ये बहुत बड़ा क्षण किया है सिंधी समाज से, आपको लड़ना पड़ेगा, लेकिन सुंदरानी जी लड़ने की जरूरत है, सुंदरानी जी मुख्यमंत्री जब आपने संसदीय सचिव बना रखे लेके चल रहे हैं जी जी, देखिए वल्यानी जी कुछ भी बोले जी, संसदीय सचिव जब आपने बना रखे थे त्रिपाठी तो कांग्रेस ने बनाए हैं, तो इसमें आप क्यों क्यों हर समाज के लोग, सुंदरानी जी देखिए त्रिपाठी हम विरोध इसलिए नहीं कर रहे कि हमने बनाए थे इन्होंने क्यों बनाए, हम तो इसलिए विरोध कर रहे हैं कि हमारे संसदीय सचिवों के खिलाफ ये न्यायपालिका में गए, बहुत सारे मनगढ़ंत आरोप लगाए, इन्होंने लड़ाई लड़ी विधानसभा के अंदर बाहर और बार बार आरोप लगाया, आज इनको क्यों जरूरत पड़ी, जब ये नैतिकता बात होनी चाहिए, नैतिकता के आधार पे हम इनसे सवाल पूछे, जब उस वक्त संसदीय सचिव खराब थे नियुक्ति गलत थी तो आज नियुक्ति सही कैसे हो गई, ये नैतिकता की बात, कांग्रेस ही नैतिकता बताए क्यों, जब हमने निगम मंडल के अध्यक्ष बनाए तो आर्थिक बोझ था, और आप क्यों बना रहे हो, चले बल्यानी जी नैतिकता की बात है, बल्यानी जी नैतिकता की बात है, दूसरा यही चाहिए, बल्यानी जी नैतिकता की बात है, बिल्कुल नैतिकता की बात, ये तो आप गए हैं सुप्रीम कोर्ट संसदीय, क्या आपको भरोसा नहीं था कि आपकी सरकार बन जाएगी, केवल विरोध ही करना है, सरकार बन गई आपकी, आपको लग नहीं रहा था कि अगर हम विरोध कर रहे हैं कल मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, देखिए त्रिपाठी जी हम लोग बहुत सैद्धांतिक आधार पर गए थे, जब हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है, हाई कोर्ट ने एक गाइडलाइन दे दी है, तब हमने बनाया है जी, और त्रिपाठी जी जी कम से कम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से नैतिकता शब्द शोभा नहीं देता है जी, जो लोग खरीद फरोख करके सरकार गिराते हैं, कल ही प्रद्युम्न सिंह लोधी आपके एमपी के हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायक उमा भारती के सामने शामिल हुए हैं, शामिल हुए हैं और 12 घंटे के अंदर उनको नागरिक आपूर्ति निगम का अध्यक्ष बना दिया गया, तो ऐसे खरीद फरोख्त वाले लोग हमसे नैतिकता की के ऊपर सवाल करें ये शोभा नहीं देता, आपकी पार्टी संभाल नहीं रही, आप लोगों से कांग्रेस पार्टी संभाल नहीं पा रहे हो,
घर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं और फिर आप हम पे खरीदी का आरोप लगा रहे हो। अरे आप उनको मान सम्मान नहीं दे रहे हो। आप सीबीआई ईडी ये सब धमका के लोगों को तोड़ने का काम करोगे? आप सिंधिया जी को दिल्ली में 8 दिन का समय नहीं देते आपके नेता लोग? ऐसी कोई बात नहीं है। सचिन पायलट खुद कह रहा है कि मेरे से बात नहीं की राहुल गांधी जी ने, सोनिया जी ने। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार त्रिपाठी जी ऐसा हो रहा है। यदि आपने असहमति के स्वर उठा दिए केंद्र मधुमक्खी पे सवार बैठे दिल्ली के नेता, इनके मधुमक्खी पे सवार बैठे, इनकम टैक्स सबको फेंक देंगे। अब सिब्बल जैसे नेता क्या बयान दे रहे हो? सिब्बल जैसे नेता ने बयान दिया कि कब तक चुप बैठेगा केंद्र, कब तक दिल्ली चुप बैठेगा। सिब्बल साहब ने यह बयान दिया और बहुत सारे नेताओं ने, युवा नेताओं ने कहा कि सचिन पायलट के मामले में तो क्यों आप पहल नहीं कर रहे हैं? ईडी आप उनके घर में क्यों भाग रहे हैं? ये छोड़ फोड़ बंद करिए, अरबों अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं। इनको हिंदुस्तान में जाग रहे चाहिए, ये आप इनके अच्छे लोग जो हैं वहाँ रह नहीं पा रहे, सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। इनके जो अच्छे लोग हैं वो हमारे यहाँ आ रहे हैं। नहीं आप आ रहे हैं कि हाईजैक कर रहे हैं? आप आ रहे हैं कि हाईजैक कर रहे हैं? ऐसा है जो हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ में भी बहुत अच्छे जी नहीं आ रहे हैं। त्रिपाठी जी जो हमारे यहाँ जिन जो जिन लोगों पर ये आरोप लगाते कि भ्रष्ट हैं, वो इनके यहाँ जाते हैं तो भ्रष्टाचार उनका सब समाप्त हो जाता है। असम के जो मुख्यमंत्री है वो कांग्रेस में थे। अच्छा ये शिवसेना से समझौता करें, ये शिवसेना से समझौता करें तो नैतिकता की बात है। समझौता की बात है, शिवसेना के साथ सरकार बनाए तो ये ठीक है। ये मिनिमम कार्यक्रम में बनाए हम लोगों ने। नहीं नहीं, शिवसेना के साथ सरकार बना सकते हो आप? हमने उसमें धर्मनिष्ठता के सिद्धांत की तिलांजलि दी थी, शिवसेना को अपनी शर्तों पर समर्थन दिया है। लेकिन आप असम के मुख्यमंत्री जो थे कांग्रेस में थे तो भ्रष्ट थे, आपके आ गए तो उनके भ्रष्टाचार सब खत्म हो गए। चलिए तो आप भी ले लिया करिए ना उनको, कब तक चलाएंगे? कहीं कमजोरी है कि आप नहीं ले पा रहे? आप लोगों को तोड़फोड़ करेंगे, आप कहीं कमजोरी है आप नहीं ले पा रहे? खैर समय समाप्त हो रहा है, अब सुंदरानी जी नैतिकता नहीं नैसर्गिक न्याय की बात किया कर रही है। जैसे कोई कमजोरी नहीं है त्रिपाठी जी, लोकतंत्र की हत्या हो रही है पूरे देश में, क्या करिएगा उसको? चलिए नैतिकता है कहाँ साहब? कांग्रेस के बाद नैतिकता कहाँ बची? मूल्यों हम तो मूल्यों पे राजनीति करते हैं आदरणीय त्रिपाठी जी, मूल्यों पे आधारित राजनीति करते हैं। बीएसएल बेच रहे हैं, इंडियन ऑयल कंपनी बेच रहे हैं और हमारे पर सवाल उठाते हैं, कर्जा ले रहे हैं। चलिए तो कर्जा तो ले रहे हैं आप। खैर अग्निहोत्री जी बहुत संक्षिप्त टिप्पणी आपकी पूरे मुद्दे पे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर्जा ले रहे हैं साहब, अपनी प्रॉपर्टी तो बेच नहीं रहे, देश को खोखला तो नहीं कर रहे हैं त्रिपाठी जी? रेल रेल चलेगी, बड़ा मजाक हो रहा है, गरीब आदमी की लाइफलाइन है रेल। विदेशी मुद्रा का भंडार 500 करोड़ से पार कर चुका है। मुद्रा लोन में आपका 1500 करोड़ रुपया तो एनपीए हो गया। बरगानी जी समय समाप्त हो गया है, समय समाप्त हो गया जी। अग्निहोत्री जी नहीं, मैं ये कह रहा था त्रिपाठी जी कि दूध का जला छावी फूक फूक कर पीता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जो झटका खाया और राजस्थान में जो नौबत बन रही है उसको देखते हुए मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में ये जो ताबड़तोड़ जो नियुक्तियां की गई राजनीतिक और इस नाम पे कि 15 साल संघर्ष में जिन लोगों ने हमारा साथ दिया है उनको हम एडजस्ट कर रहे हैं और अभी जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाना बाकी है, तो अभी 32 के बाद और सूची भी आएगी, जितने मंत्री नहीं उससे ज्यादा राजनीतिक नियुक्तियां हो रही हैं। अब ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ये सवाल जरूर उठा रही है कि खजाना खाली है तो किस तरह से इन सबको आर्थिक रूप से एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन दरअसल मामला मध्य प्रदेश और राजस्थान से होता हुआ छत्तीसगढ़ तक पहुंचा है, तो छत्तीसगढ़ में जो कुछ भी हो रहा है उसको इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। चलिए हमारा समय समाप्त हो गया, सुंदरानी जी वादा करिए अब आप अड़ंगा नहीं लगाएंगे बड़े भाई में, और माइनिंग मैं देख रहा हूँ माइनिंग कारपोरेशन बचा हुआ अच्छा विभाग है, आपको भी माइनिंग दिलवाएंगे और हम भी आएंगे बरलानी जी से, वादा करवा रहा हूँ। नहीं हम सहमत हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल हम उस जिस दिन वरलानी जी को बनाएंगे उस दिन हम उनकी नियुक्ति का स्वागत करेंगे। नहीं स्वागत करिएगा, आगे की भी बात सोच लीजिए ना। अरे सिंधी समाज तो बहुत व्यावसायिक होता है, आगे की भी सोचिए। आगे आप बात करोगे? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बल्लानी जी आपका। वो आप बैठे हो ना राम जी? जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद है मनोज जी आपका भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के 18 महीने बाद राजनीतिक नियुक्तियां की है, राज्य के आर्थिक हालातों से सरकार बखूबी वाकिफ है,
लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा भी खूब है कि निगम मंडल और आयोगों में भी की जाने वाली नियुक्तियों की देरी से संगठन में विरोध की आवाजें बुलंद होती जा रही है। यह वजह है कि सरकार ने वक्त की नजाकत को समझते हुए विपरीत हालात के बावजूद नियुक्ति करने का फैसला लिया। खैर, अब जब नियुक्तियां हो ही गई हैं तो देखना यह है कि सरकार इससे बढ़ने वाले आर्थिक बोझ को कैसे मैनेज करती है और प्रदेश के विकास में कोई तेजी आती है।